बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की इकोनॉमिक एप्लीकेशन पढ़नी है, द मार्केट मॉडल विद प्राइस एक्सपेक्टेशंस। डायनेमिक मॉडल जो हम पहले भी जितने भी डिस्कस कर चुके हैं उनमें डिमांड और सप्लाई जो है, इनमें हम जो प्राइस का फंक्शन लेते हैं वो करंट प्राइस का फंक्शन होता है, लेकिन बाद जो बायर्स और सेलर होते हैं वो अपना बिहेवियर जो है करंट प्राइस लेवल के ऊपर बेस नहीं करते, बल्कि इसके साथ साथ वो फ्यूचर प्राइस या प्राइस ट्रेंड जो होता है मार्केट के अंदर उसके साथ भी उनका ताल्लुक होता है। तो इस तरह जो प्राइस है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर प्राइस से रिलेटेड जो है, उसके रिलेटेड हम डिमांड सप्लाई फंक्शन जो है उनको एनालाइज करेंगे। एक्सपेक्टेशंस जो हैं इस वजह से डिमांड और सप्लाई डिसीजंस के ऊपर भी इफ़ेक्ट करती हैं। ये डिमांड फंक्शन है, QD डिमांड फंक्शन प्राइस का फंक्शन है, प्राइस के ट्रेंड का फंक्शन है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव जो है ये प्राइस के ट्रेंड को शो करते हैं। इस तरह से सप्लाई फंक्शन जो है ये भी पी और पी प्राइम और पी डबल प्राइम का फंक्शन है, मतलब ये भी प्राइस ट्रेंड का फंक्शन है। स्पेसिफिकली हम लिखते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा पी, क्योंकि प्राइस ट्रेंड है, प्लस एम पी प्राइम प्लस एन पी डबल प्राइम, क्यू एस इक्वल टू माइनस गैमा प्लस डेल्टा पी प्लस यू पी प्राइम प्लस डब्ल्यू पी डबल प्राइम। यहाँ पे हम इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, सिंपलिसिटी के लिए, यू और डब्ल्यू को ज़ीरो के बराबर लेट कर लेते हैं। इस वजह से ये वाली दोनों टर्म्स बीच में से वैनिश हो जाएंगी और हमारा मॉडल जो है वो इस तरह का होगा, जिसमें क्यू डी इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा पी प्लस एम पी प्राइम प्लस एन पी डबल प्राइम और क्यू एस की ये इक्वेशन रह जाएगी। मार्केट क्लियर उस वक्त होगी जब क्यू डी इक्वल टू क्यू एस ओ और ये क्यू डी की इक्वेशन है, ये क्यू एस की इक्वेशन है, ये एन पी डबल प्राइम प्लस एम पी प्राइम माइनस बीटा पी ये वाला इस साइड पे आ जाए तो माइनस डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये इस साइड पे चला जाए तो माइनस अल्फा माइनस गामा होगा। यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से बीटा पी जो है कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आ जाएगा माइनस बीटा प्लस डेल्टा, ये भी माइनस कॉमन आ गया, अल्फा प्लस गामा हो गया। एन के साथ डिवाइड करें तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। तो ये जो है ना, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं ये और ये कांस्टेंट टर्म है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन बी ओवर ए टू के बराबर होता है, ये बी की वैल्यू है, ये ए टू की वैल्यू है। डिवाइड करें तो इस तरह से ये हमारे पास अल्फा प्लस गामा ओवर बीटा प्लस डेल्टा आ जाता है। अब हमने रूट्स की नेचर देखनी है। इफ़ ए वन स्केयर इज ग्रेटर देन फोर ए टू हो तो डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। इसका मतलब है ए वन स्केयर, ए वन जे वाली टर्म है, इसका स्केयर ग्रेटर देन होना चाहिए फोर ए टू से। फोर ये माइनस इंटू बीटा प्लस डेल्टा और एन के बराबर है, तो ये आ गया। तो इस तरह से जो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है वो ए वन ई पावर आर वन टी प्लस ए टू ई पावर आर टू टी, और जनरल सॉल्यूशन में जब हम इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन को ऐड अप कर देते हैं। इस तरह से अगर ए वन स्केयर इज इक्वल टू फोर ए टू हो तो इक्वल रूट्स होंगे। एम ओवर एन होल स्केयर इज इक्वल टू माइनस बी फोर इंटू बीटा प्लस डेल्टा ओवर एन होगा। आर जो है इस सूरत में ए वन ओवर टू के बराबर होगा, या वन ओवर टू इंटू ए वन होगा, माइनस एम ओवर टू टू एन। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इस सूरत में ए थ्री ई पावर माइनस एम ओवर टू एन टी प्लस ए फोर टी इंटू ई पावर माइनस एम ओवर टू एन इंटू टी होगा। जनरल सॉल्यूशन में हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन और कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है दोनों को ऐड अप कर देते हैं। इफ़ ए वन स्केयर लेस देन फोर ए टू हो तो एम ओवर एन लेस देन माइनस फोर इंटू बीटा प्लस डेल्टा ओवर एन होगा, और इस तरह से ई पावर एच टी ई ए फाइव कॉस वी टी प्लस ए सिक्स साइन वी टी। एच और वी की वैल्यूज इस तरह से फाइंड करते हैं। इस तरह से जनरल सॉल्यूशन में कम्प्लीमेंट्री और जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है इसको ऐड अप करते हैं। हर एक सूरत में डायनामिक स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करेगी। ये जैसे कॉम्प्लेक्स रूट केस है, इसमें एच की वैल्यू इस पर डायनामिक स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी। जब लेस देन ज़ीरो हो तो फिर इस सूरत में टाइम पाथ कन्वर्जेंट था। इस सूरत में जब जो सेकंड केस फर्स्ट केस है, इसमें आर की वैल्यू जब दोनों नेगेटिव हों तो फिर डायनामिक स्टेबिलिटी टाइम पाथ जो है वो स्टेबल टाइम पाथ होगा। इसमें भी टाइम पाथ जो है वो उस वक्त स्टेबल होगा जब टाइम जब आर वन और आर टू या आर की वैल्यू जो है लेस देन ज़ीरो हो। इसकी एग्जांपल है मार्केट मॉडल विद प्राइस एक्सपेक्टेशंस की। यहाँ से देख के ये पता चल रहा है कि ये क्यू डी फंक्शन है, इसमें ये प्राइस ट्रेंड दिए हुए हैं। यहाँ से देख के पता चल जाएगा कि ये मार्केट मॉडल विद प्राइस एक्सपेक्टेशंस का मॉडल है। इनिशियल वैल्यूज भी दी हुई हैं। क्यू डी इक्वल टू क्यू एस करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन बी ओवर ए टू के बराबर होता है, 45/5 करेंगे तो ये 9 आ गया।
इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखे तो ए वन स्केयर इस सूरत में लेस देन आ जाता है 4a2 से, इसलिए हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेंगी। एच की वैल्यू -1 आ जाती है, वी की वैल्यू 2 आ जाती है। ये जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसके अंदर एच और वी की वैल्यूज पुट करेंगे, तो इस तरह से इसमें उसके बाद उसी तरह ही जिस तरह हम पहले करते रहे हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन को एडअप करें तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता है। ये जो जनरल सोल्यूशन है इसमें नेक्स्ट फर्दर जो है हमने टी की जगह पे ज़ीरो पुट करना है, तो टी की जगह पे जब हम ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ई पावर ज़ीरो हो गया, ई पावर ज़ीरो इक्वल टू 1 हो गया, तो ये ए 5 आ गया, ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये 9 आ जाएगा। तो इस तरह से पी नॉट जो है इसकी वैल्यू हम पुट करें, पी नॉट की वैल्यू जो है गिवन है 12 और ये 9, ये 3 आ गया। इसी तरह से सिमिलरली जो है वो इसका डेरिवेटिव जो है वो हमने लेना है, तो फर्स्ट इसमें इस तरह से प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो वो जब अप्लाई किया तो ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। इसमें भी टी जो है वो जब हम ज़ीरो पुट करेंगे टी की जगह पे तो इस तरह ये 2a6 माइनस a5 आ गया, तो ये a5 की वैल्यू 3 फाइंड की हुई है वो इसमें लगाएंगे, तो इस तरह a5 और a6 की वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पे पुट करने से हमारे पास जो है ये जो सोल्यूशन है ये डेफिनेट सोल्यूशन है। यहाँ पे जब हम टाइम को टी को इन्फिनिटी पे अप्रोच करें तो पी वेरिएबल जो है ये 9 को अप्रोच कर देता है, तो इस वजह से जो हमारा टाइम पाथ है डैम्प्ड कन्वर्जेंट और स्टेबल सिचुएशन को शो करता है। तो ये हमारी इसकी एग्जांपल है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो इकोनॉमिक एप्लीकेशन में फर्दर मॉडल को डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।